आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों राधे राधे, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है, भद्रा काल कब तक है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और कथा। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाई के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस बार वर्ष 2020 में 3 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। बंधुओं, अब की बार रक्षाबंधन का ये पर्व बहुत ही शुभ और सुंदर संयोग के साथ आ रहा है। एक तो श्रावणी पूर्णिमा, दूसरा श्रावण का अंतिम सोमवार, भगवान शिव का अति प्रिय दिन। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रावण पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बंधुओं, रक्षा बंधन से संबंधित मुख्य बात यह है कि बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी कभी भी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कहते हैं कि रावण की बहन ने रावण को रक्षा सूत्र भद्रा काल में बांधा था, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। बंधु, इस बार भद्रा का समय सुबह 9:29 तक रहेगा और इसी बीच राहु काल भी है, इसलिए आप राखी 9:30 के बाद बांधें। उसके बाद सारा दिन शुभ है। आप कभी भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इसके अलावा यदि आप किसी विशेष शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहती हैं तो दोपहर 1:35 से लेकर 4:35 का समय बहुत ही शुभ है और इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात 9:30 के बीच में आप कभी भी राखी बांध सकती हैं। बंधुओं, रक्षा बंधन वाले दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा को बहुत ही शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। दूसरा, इस दिन आयुष्मान दीर्घ आयु योग है, यानी कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग और आयु को बढ़ाने वाला योग, जो कि प्रत्येक बहन और भाई के लिए शुभ फलों को देने वाला है। बंधु, आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्या करें। सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन बहुत से स्थानों पर सोन पूजे जाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो घर के मंदिर के दोनों तरफ घर के मुख्य द्वार पर, रसोई घर के दरवाजे के दोनों तरफ, प्रत्येक कमरे के दरवाजे के दोनों तरफ सोन बनाएं, यानी कि अपने घर के द्वार पर मांगलिक चिन्ह बनाएं। वैसे तो आजकल ये मांगलिक चिन्ह बाजार में बने बनाए भी मिल जाते हैं, उन्हें लाकर आप अपने घर के द्वार पर लगाएं, जैसे ओम, स्वास्तिक, सीताराम, राधे श्याम आदि। फिर घर की रसोई में मीठा बनाएं, जैसे खीर, हलवा, चूरमा या जो भी आप पसंद करते हैं। उसके बाद रक्षाबंधन की थाली सजाएं, उसमें रखें रोली, मोली, चावल, राखियां, दीपक और जो मीठा आपने बनाया है। थाली सजाने के बाद जो सोन यानी कि जो मांगलिक चिन्ह आपने बनाए हैं उनकी पूजा करें, जल का छींटा दें, रोली का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, मीठे का भोग लगाएं और फिर उन पर मोली लगाएं। बंधु, ऐसी मान्यता है कि घर के द्वार पर लगाए इन मांगलिक चिन्हों की पूजा आज के दिन करने से घर की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है।
किसी भी नजर दोष से हमारा घर सुरक्षित रहता है। फिर घर के मंदिर में विराजमान ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी को रक्षा सूत्र अर्पित करते हुए उनसे घर की सुख समृद्धि, खुशहाली, भाई की लंबी आयु, आरोग्यता व उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। फिर भाई को रक्षा बंधन बांधें। रक्षा बंधन बांधते समय दिशा का भी ध्यान रखें। भाई का मुख पूर्व की ओर और आपका पश्चिम की ओर होना चाहिए। भाई के माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, राखी बांधें। राखी बांधते समय हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बादनामी रक्षे माचल माचला। राखी बांधकर भाई की आरती करें, फिर मुंह मीठा करवाएं। राखी बांधने के बाद भाई भी परंपरा के अनुसार अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ भेंट में दे। आइए अब सुनते हैं रक्षा बंधन से संबंधित कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार दैत्यों के राजा बलि स्वर्ग पर विजय पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना की कि राजा बलि से देवताओं की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में वामन रूप धारण कर वहां पहुंचे जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था। ब्राह्मण को अपने द्वार पर आया देख राजा बलि ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यहां किस लिए आए हो? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, हे राजा बलि, मुझे तुमसे भिक्षा स्वरूप 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने सोचा, 3 पग भूमि कितनी होती है, और ऐसा सोचकर उसने भूमि देना स्वीकार कर लिया। परंतु जैसे ही वामन भगवान धरती नापने लगे, उन्होंने अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया और 1 पग में ही पूरी पृथ्वी नाप ली, 2 पग में पूरा ब्रह्मांड। और फिर राजा बलि से पूछा, अब मैं अपना 3रा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने सोचा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब उन्होंने अपना सिर उनके आगे कर दिया। यह देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आते हुए बोले, हे राजा बलि, अब तुम पाताल लोक में जाकर निवास करो। मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकते हो। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ हमेशा पाताल लोक में रहें। भगवान ने ये बात स्वीकार कर ली और राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। दूसरी तरफ जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बैकुंठ लोक में नहीं देखा तो वह बेचैन हो उठी। तब नारद जी ने आकर माता को सारी बात बताई। यह सुनकर माँ लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप बनाया और पाताल लोक में पहुंच गई और जाकर जोर जोर से रुदन करने लगी। रोती स्त्री को देखकर राजा बलि ने पूछा, तुम कौन हो? तब वह बोली, मैं एक बेसहारा हूँ, मायके के नाम पर मेरे कोई नहीं है, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? राजा बलि ने माँ लक्ष्मी का भाई बनना स्वीकार कर लिया। तब माता ने राजा बलि के हाथ पर राखी बांधी। राजा बलि ने भेंट स्वरूप कुछ मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने अपना वास्तविक स्वरूप राजा बलि को दिखाते हुए कहा कि मेरे पति भगवान विष्णु तुम्हारे पाताल लोक में रह रहे हैं, तुम मेरे भाई हो और उपहार स्वरूप मेरे पति को मुझे दे दो। तब राजा बलि ने लक्ष्मी जी की बात को स्वीकार करते हुए भगवान को लौटा दिया। मान्यता है कि तभी से रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और वह बहन की रक्षा करने का वचन देती हैं। रक्षा बंधन का ये पर्व आप सभी के लिए अति शुभ व फलदायी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।